बॉलीवुड के फेमस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी साउथ डेब्यू और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक तरफ वो प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी के वकील ने एक्टर और उनकी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, इससे पहले नवाजुद्दीन की मां ने अपनी बहू आलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब वकील का कहना है कि आलिया को घर से निकालने के लिए हर संभव कोशिश की, पुलिस से धमकी भी दिलवाई, अब उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी की वकील रिजवान ने कहा, पिछले 7 दिनों से आलिया को नवाजुद्दीन और उनकी फैमिली ने खाना नहीं दिया है, यहाँ तक कि सोने के लिए बिस्तर और नहाने के लिए बाथरूम तक नहीं दिया। कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है और 24 घंटे बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। आलिया ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, इसमें उनके बच्चे 2 सोफे को जोड़कर सोते दिखाई दे रहे हैं। तीनों हॉल में है जहाँ एक महिला भी बैठी नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, मुझे पिछले 7 दिनों से अपने पति के घर में सोने और हॉल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया है। मेरे बच्चे जो अभी अभी दुबई से आए हैं, हॉल में 2 सोफा सेट जोड़कर सो रहे हैं, न खाना न सोना, और ऊपर से मेरे चारों ओर गार्ड तैनात है। अब कैमरे भी लगा दिए गए हैं और मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। न शांति और न प्राइवेसी, सभी 7 बेडरूम मेरे ससुराल वालों ने बंद कर दिए हैं और मेरे पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरी रक्षा करने या मेरे लिए खड़े होने पर भी नहीं मिल रहे हैं। बता दें, नवाजुद्दीन ने आलिया उर्फ अंजना किशोर पांडे से शादी की थी। 19 मई 2020 को आलिया ने खुलासा किया था कि वह नवाजुद्दीन से तलाक ले रही हैं। तब सबको पहली बार पता लगा था कि दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी है। हालांकि इसके बाद दोनों ने कई बार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।